जनता को उनकी स्थिति के बारे में बताना चाहती। नहीं मिल सकती उनसे। पर क्यों नहीं मिल सकती? बस कह दिया, नहीं मिल सकती। छोड़िए मुझे, बोल रही हूं। ये तड़कते भड़कते मिर्ची कौन है? जूनियर रिपोर्टर भार भी सर, उसकी डेयरिंग तो देखिए। क्यों चिल्ला रही है? झोपड़ पट्टी से आई है क्या? यू कमाल है। पुलिस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लड़कियों से निपटने के लिए लेडी कांस्टेबल है तो बीच में क्यों आ रहे हो? लड़कियों को सिर्फ लड़की छू सकती है। इन सब को उठाकर पुलिस वैन में डालो। पत्रकार पर हाथ कैसे उठाया? छोड़ो, मारो इस हरामखोर को। वेनु सर है। रॉयटर्स वेनु। हाँ बताओ। क्या? रिपोर्टर रेणुका को डीएसपी सोमराजन ने धक्का मारा। हाँ हाँ, तुमने देखा? मैंने बड़े प्यार और शांति से कहा कि एक लड़की के साथ इस तरह हरकत करना क्या आपको शोभा देता है? पर उन्होंने मुझसे कहा, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इधर मेरे पास आओ, और फिर मेरे कान पर एक जोर का चाटा चढ़ दिया, फोड़ दिया मेरा कान, और यहाँ मेरी छाती पर लात मारी, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। प्लीज, अब बड़ा दर्द हो रहा है। सब लिख लिया ना? ओके डॉक्टर। हाँ, सर्टिफिकेट तैयार है, आप जाके ले सकते हैं। जी चलिए। अभी आपका हाल कैसा है? दर्द तो नहीं है ना? जी बिल्कुल, मेडिकल क्लेम ले लूंगा। ए, दर्द हो रहा है पूछ रहे हैं? पेन पेन। हाँ दर्द दर्द है, ये कान ब्लॉक है ना, इसलिए जो बोल रहे हो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पट्टी हटाने से कुछ नहीं होगा, ये कभी सुन नहीं पाएंगे। वैसे कोई सीरियस बात तो नहीं है ना डॉक्टर? ये ड्रम फट चुका है, सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ठीक है? वेनु, टेंशन नहीं है क्या? वो वेनु, टेंशन मत लेना, तुम्हें सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि डॉक्टर ने क्या है यार, इमोशनल फिल्म की तरह क्या अटक अटक के बोल रहा है? भाई तुझे तुझे कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर। अरे क्या बेवकूफी तरह बोल रहा है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम बहरे हो गए हो, तुमने हमेशा के लिए अपने कान खो दिए। वो डॉक्टर कह रहा था कि सुनने के लिए कान में हेयरिंग मशीन लगानी पड़ेगी। हाँ अब ये भी गए। एक बार एक चित्रकार ने एक लड़की के प्यार में पड़कर अपने दोनों कान काट दिए, और हे प्रिये, मैंने भी अपने दोनों कान खो दिए तुम्हारे लिए, वो भी बिना प्यार में पड़े, इसलिए मेरी आभारी रहना। वो बात जो तुमने कही ना। कौन सी बात? हाँ वही बात, तुम्हारा मामला सेट हो गया तो प्यार हो सकता है। अब तो देर हो गई, पहले से इतनी देर हो चुकी है, अब जाकर टैक्सी लेकर आना। ओके। अरे जल्दी जाना है। रेनु रेनु। हे भगवान, उसके बाद इन्हें दोबारा मिलना चाहिए था, लेकिन प्यार व्यार नहीं हुआ, यही उसको सर पे चढ़ाए रखे हैं। आपके इस प्यार की शुरुआत का असली कारण तो नहीं था, आगे मैं इस कहानी से गायब हो गया। अच्छा चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद Where are you? अच्छा, प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं बाद में फोन करती हूँ। hey, बहुत जरूरी है, एकदम एक्सक्लूसिव। हाँ? उसको कवर करना है। किस बारे में? मुझसे मिलो, फिर बताता हूँ, बाहर ही हूँ।
मनोचा सुन, एक्सक्लूसिव न्यूज मिली है, उसी के लिए जा रही हूँ। लेकिन कवरेज के लिए कौन आएगा? कवर करने के लिए आ रहे हैं ना वेणु सर, रॉयटर्स वेणु, कैमरामैन वेणु और रिपोर्टर रेणुका। आ जाओ बैठो। ऐसा क्या एक्सक्लूसिव है? बताता हूँ। ये कौन सी जगह है? केल्विन जोसेफ गेस्ट हाउस, ऋषि के चैनल में पैसा लगाने वाला, ये वही आदमी है, उसी का है। इसमें क्या एक्सक्लूसिव है? है ना, यहाँ और कोई नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। एक्सक्लूसिव मतलब यही हुआ। चलो चलो आओ आओ ना। ए, ए, मेनू, मेनू, रुको। आओ। क्यों? इरादा क्या है? इरादा वही जो होना चाहिए। अच्छा तो जाओ दीवार चढ़ के दिखाओ। ओ, अच्छा नहीं प्लीज, शादी से पहले नहीं, शादी से पहले नहीं कर सकती। क्यों ऐसा ही सोच रही हो ना? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो फिर? अरे बाप रे, ये बात सुनकर तुम कितनी उदास हो गई है ना? अच्छा अरे चलो ना, चलो। खाना बनाना आता है? बिल्कुल आता है। ओके किचन कहाँ है? वहाँ है। क्या लोगे, चाय या कॉफी? वो बाद में, पहले मेरा गाना सुनना होगा। गाना? हाँ म्यूजिक ट्रैक करोगे? हमें अपने आने वाले भविष्य में दो चीजों का सामना करना पड़ेगा, शायद इसके लिए झगड़ा भी हो सकता है। एक तुम्हारी कुकिंग और दूसरा मेरा म्यूजिक। मजा आएगा, मैं इसको प्ले करके सुनाता हूँ। पहले दीवार चढ़ के दिखाओ। फिर क्या हुआ? आपका मूड ऑफ हो गया सर, कुछ बुरा हुआ क्या? इसको बच्चा नहीं हो सकता, इसी बात को सोच सोच कर दुखी है ये। तो कोई डॉक्टर से मिलिए। कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। अरे कोई ऐसे बच्चा कैसे पैदा कर सकता है यार, बेवफा कहीं की चुड़ैल, खून पीने वाली चीटर। ना तुम ये नहीं कह सकते। कह सकता हूँ, उसने मुझे भी धोखा दिया है। आगे मैं बताऊंगा। बात तब की है जब मैंने भारत विजन छोड़कर अपना NBI शुरू किया। चैनल लॉन्च होने के 2-3 दिन पहले जब ये दोनों प्यार करके थक गए ना, तब इन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। प्रख्यात NRI बिजनेसमैन और केरल राज्य के रहने वाले राजन कर्था जी केरला राज्य सभा संसद के लिए नामांकित किए गए। हाँ सुन, वो रिपोर्ट तैयार करके चैनल भेज दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। राज्य दल के प्रेसिडेंट और भावी मुख्यमंत्री मार्थन पिल्ले को केरल राज्य के अन्य विरोधी पार्टियों से कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता है। राजन कर्था ने नामांकन का जिम्मा लेते हुए कहा कि अब केरला के पास एक भी उम्मीदवार और MP नहीं है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। ऋषि, हाँ, ये मुझे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कौन सा लक्षण? जब हमारा चैनल लॉन्च हो रहा है तभी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। अभी सारा माहौल गर्म है इन खबरों से। हाँ सही कह रहे हैं आप, जितना आप सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। आज से सारे न्यूज चैनल वाले राजन कर्था और ब्रह्मनाथन पिल्लई पर ही फोकस करेंगे और हम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ 2 दिन में दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे। फिर उसके बाद देखना, गुड, सारे चैनल खत्म। कुछ रोमांचक स्टोरी? मेरे पास एक्सक्लूसिव स्टोरीज रेडी है ना, बस हमें ये तय करना है कि कौन सी स्टोरी चलाएं। ये लो। इन सब में से एक है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, सबसे एक्सक्लूसिव है वो, और वो है वेणु। आ दूल्हे राजा। अरे ये है वेणु। अरे कौन नहीं जानता इनको। केल्विन जोसेफ मेरे पार्टनर। मैं जानता हूँ इनको, इस पर सारा पैसा मत लगा देना, चालू है ये। अरे चुप कर। चलो हम लोग शादी कर रहे हैं, है ना? कोई इनविटेशन नहीं होगा क्योंकि रजिस्टर्ड मैरिज है। ऋषि ने बताया था, बधाई हो। थैंक्स।